इस लेक्चर में हमें ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है और उसमें देखना है कि ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन इन डिग्रीज किस तरह से फाइंड होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी हमने प्रोडक्ट सेल करी, उसकी सेलिंग प्राइस थी 40, उसपे हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगी। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ सकती है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ सकती है। तो ये हमने वेरिएबल कॉस्ट लगाई 24। तो 40 माइनस 24, हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कमा लिया? 16 का। तो ये चीज हमें क्या बता रही है? ये चीज ये बता रही है कि 40 रुपीज की जब भी सेल हो रही है तो उसमें हम 16 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर सीएम रेशियो फाइंड किया जाए, सीएम रेशियो क्या चीज होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। सीएम रेशियो किस तरीके से आते हैं? सीएम को डिवाइड करा देते हैं सेल से। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 16 का, और सेल्स हमने कितने की है? 40 रुपीज की। तो ये चीज सिक्सटीन को जब हमने डिवाइड कराया 40 से, तो ये जो 40% आया है ये हमें क्या बता रहे हैं? ये 40% ये बता रहे हैं कि जब भी 1 रुपीज की सेल होगी, जब भी 1 रुपए की सेल होगी, तो उसमें हम 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहे हैं। अगर इन इस टर्म में देखा जाए कि सेलिंग प्राइस 40 रुपीज की जब भी सेल हो रही है तो हम कितने का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहे हैं? 16 का। और जब देखा जाए कि 1 रुपीज की सेल हो रही है तो उसके अंदर हम कितना कमा रहे हैं? 40% का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने 1 रुपीज की जो सेल की है, उसमें हमने 60% जो है हमारा कॉस्ट आ गई और 40% हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। हर 1 रुपीज की सेल में 60% हमारी कॉस्ट हो गई और 40% जो है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। तो इसको फर्दर देखते हैं। अब ब्रेक इवन इन यूनिट्स में फाइंड करना है। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जिसमें कंपनी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन पे आ जाती है, जहाँ पे उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होता है, लॉस भी नहीं हो रहा होता, उस सिचुएशन पे आ जाती है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, 10,000 यूनिट्स हैं, तो 10,000 यूनिट्स कंपनी के अगर ब्रेक इवन यूनिट्स आए हैं, ब्रेक इवन पॉइंट आया है, तो ये 10,000 यूनिट्स वो बता रहे हैं कि इन 10,000 यूनिट्स पे कंपनी प्रॉफिट में भी नहीं है, लॉस में भी नहीं है। मतलब अगर 10,000 से एक भी यूनिट ऊपर बनाएगी तो प्रॉफिट में चली जाएगी, 10,000 से एक भी यूनिट कम बन रहा होगा तो लॉस में चली जाएगी। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे कि ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करें, तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स किस तरह से निकलेंगे? फिक्स कॉस्ट को हमने डिवाइड कराना है सीएम पर यूनिट से। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट एक एज्यूम कर लेते हैं 3,20,000 की है। फिक्स कॉस्ट हमने एज्यूम कर ली 3,20,000 की, और हमारा जो सी एम यू पर यूनिट है वो है 16 का। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को हमने डिवाइड कराया सी एम इन यूनिट से, तो हमारा आंसर क्या आया? 20,000 यूनिट्स। ये 20,000 यूनिट्स हमें क्या बता रहे हैं? ये 20,000 यूनिट्स ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट इन 20,000 यूनिट्स अगर सेल होते हैं तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे। अगर इस 20,000 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर सेल हो रहा होगा तो हम प्रॉफिट में चले जाएंगे, इस 20,000 यूनिट से एक भी यूनिट कम सेल हो रहा होगा तो हम लॉस में हो रहे। तो कंपनीज जो होती हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए फाइंड करती हैं ताकि उनको जब भी कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें पता चल जाए कि हम इतने यूनिट्स जाके सेल करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक चाय की एग्जाम्पल लें, तो 40 रुपीज की एक पान जो है वो चाय सेल कर रहा है, उसको कॉस्ट जो कितने की पड़ी है? 24 की। तो उसमें अर्न कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो अर्न कर रहा है 16 का। अब वो ये देखना चाह रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट वो बेयर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो उस जगह का रेंट वो बेयर कर रहा है 3,20,000, वो ये कैलकुलेट करना चाह रहा है कि वो कितनी चाय के कप सेल करते हैं, कितने चाय के कप सेल करते हैं। मैं यूनिट्स में रख के बात कर रहा हूँ, मैं रुपीज में नहीं बात कर रहा, कितने चाय के कप वो सेल करे कि उसका जो फिक्स कॉस्ट है, दुकान का रेंट हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरीज हो गई, ये जितनी भी फिक्स कॉस्ट थी वो कवर हो जाए। तो पता ये चला कि वो 20,000 कप सेल करेगा तो उसकी फिक्स कॉस्ट सारी कवर हो जाएगी। अब इस 20,000 से यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर सेल हो रहा होगा तो वो उसके लिए प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अब समझते हैं कि ब्रेक इवन इन रुपीज कैसे निकलेगा। तो ब्रेक इवन रुपीज निकलता है, यही सेम फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराना है हमने सीएम से, लेकिन सीएम रेशियो से डिवाइड कराना है, या सीएम रेशियो को बोलते हैं सीएम इन रुपीज भी बोलते हैं। तो सीएम इन रुपीज हमने सीएम रेशियो ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सीएम रेशियो कैसे आया था?
रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सीएम को डिवाइड कराते हैं सेल से, तो इससे क्या पता चल जाता है, हर 1 रुपीज की सेल में हम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीएम को डिवाइड कराया सेल से, 16 को डिवाइड कराया 40 से, तो हमें पता चला कि हर 1 रुपीज की सेल में हम 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमने कितनी रखी, 3,20,000, ये हमने एज्यूम फिगर रखी है। और यहाँ पे सीएम इन रेशियो, मतलब सीएम रेशियो रखना है, सीएम इन रुपीज रखना है, वो कितना है हमारा, 40%। तो 3,20,000 को हमने 40% डिवाइड कराया, तो ये क्या आया, ये आया है रुपीज, और ये क्या थे, यूनिट्स। ये यहाँ क्या बता रहे हैं कि 8 लाख यूनिट्स जब हम सेल करेंगे, 8 लाख रुपीज की जब भी हम लोग सेल करेंगे, तब हम किस पोजीशन पे आ जाएंगे, अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे, कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चाय की मिसाल ले रहे थे, तो वो 8 लाख रुपीज की जब भी जब सेल होगी, तो हम ब्रेक इवन यूनिट पॉइंट पे आ जाएंगे। और इसके बाद 8 लाख के बाद कोई भी जितने भी रुपीज की हमारे पास सेल हो रही होगी, वो हमें प्रॉफिट देके जाएगी। तो इसमें अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि ब्रेक इवन यूनिट्स किस तरह से पॉइंट होते हैं, और ब्रेक इवन रुपीज किस तरह से पॉइंट होते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स में हमने देखा कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराया सीएम पर यूनिट से, फिक्स कॉस्ट हमने अज्यूम करी 3,20,000, सीएम पर यूनिट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 16 जो कि है, तो ये 20,000 यूनिट्स आ गया आंसर। ये 20,000 यूनिट्स हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये बता रहा है कि इस 20,000 यूनिट्स पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे, इस 20,000 यूनिट से 21 यूनिट ऊपर सेल करेंगे तो प्रॉफिट में चले जाएंगे, इस 20,000 यूनिट से 1 भी यूनिट कम बना रहे हैं तो हम लॉस। फिर हमने बोला कि ब्रेक इवन रुपीज में पता चलनी चाहिए, मतलब ब्रेक इवन रुपीज का क्या मतलब, कि कितने रुपीज की सेल करें तो हमारे पास कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ जाए। तो उसमें पता चला कि 8 लाख रुपीज की हमने सेल करनी है, 8 लाख रुपीज की जब भी सेल होगी तो कंपनी जो है ब्रेक इवन अपना पॉइंट पे आ जाएगी, और 8 लाख के बाद जब भी 1 रुपीज की भी ऊपर सेल हो रही होगी, तो वो हमें प्रॉफिट देके जा रही होगी, और इस 8 लाख से नीचे सेल हो रही होगी तो वो हमें लॉस देके जा रही होगी। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें सेलिंग प्राइस दी गई है 80 रुपीज पर यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है हमें 48 रुपीज पर यूनिट की, फिक्स कॉस्ट दी गई है 600,000 की, और रिक्वायर्ड क्या है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स फाइंड करने हैं, एंड ब्रेक इवन इन रुपीज फाइंड करने। तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फाइंड कर लेना है। तो सेल प्राइस में से जब भी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सीएम आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, 80 की, और वेरिएबल कॉस्ट की भी है 48 की। सेल प्राइस है 80 रुपीज की, वेरिएबल कॉस्ट है 48 की, तो सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। क्या पता चला कि 80 रुपीज की जब भी सेल हो रही है तो 32 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम अर्न कर रहे हैं। तो जब हमारे पास सीएम आ गया, सीएम जब हमने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हम ब्रेक इवन इन यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं, ब्रेक इवन इन यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। ब्रेक इवन इन यूनिट्स किस तरह से निकलेगा, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराना है सीएम पर यूनिट से। तो वैसे में हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, फिक्स कॉस्ट है 600,000 की, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 600,000 की, और जो हमारे पास सीएम इन यूनिट है वो है 32 का। फिक्स कॉस्ट को जब हमने सीएम पर यूनिट से डिवाइड कराया तो 18750 हमारे पास क्या आ गए, यूनिट्स। ये 18750 यूनिट्स ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम किस पॉइंट पे आ जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे, और वो पॉइंट होगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। मतलब इस 18750 से 1 भी यूनिट ऊपर सेल कर रहे होंगे तो हम प्रॉफिट में जा रहे होंगे, और इस 18750 से 1 भी यूनिट कम सेल कर रहे होंगे तो हम लॉस में जा रहे होंगे। तो अब दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे ब्रेक इवन इन रुपीज। ब्रेक इवन इन रुपीज फाइंड करने से पहले सीएम इन रेशियो फाइंड करना पड़ता है। सीएम इन रेशियो क्या बताता है कि 1 रुपीज की सेल में हम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर रहे हैं। तो सीएम इन रेशियो कैसे आता है, सीएम को डिवाइड कराना होता है सेल्स से। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारे पास 32 का, और सेल्स दी हुई है हमें, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 80 की। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को जब भी सेलिंग प्राइस से डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास क्या आया, 40%। ये 40% क्या बता रहा है कि 1 रुपीज की सेल में हम 40% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न कर रहे हैं।
अब हम फाइंड कर सकते हैं ब्रेक इवन इन रुपीज। तो ब्रेक इवन रुपीज किस तरह से आता है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कराते हैं सीएम रेशियो से। सीएम रेशियो हमने फाइंड कर लिया, फिक्स कॉस्ट हमें पता है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई थी 6 लाख की, और सीएम रेशियो हमने फाइंड किया 40% का। तो 6 लाख को जब अब 40% से डिवाइड कराया तो 15 लाख की हमारे पास 15 लाख रुपीज आ गए। ये रुपीज है, मतलब 15 लाख की जब भी सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पोजीशन पे आ गए। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली, ब्रेक इवन यूनिट्स भी फाइंड कर लिया, ब्रेक इवन एंड रुपीज भी फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना होता है, हमने सीएम फाइंड करना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन करने के बाद ब्रेक इवन यूनिट्स पे आ जाता है। फिर ब्रेक इवन इन रुपीज के लिए हमें सीएम रेशियो निकालना पड़ता है। सीएम रेशियो क्या चीज होती है कि 1 रुपीज की सेल में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक प्रूफ के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। तो हमारे पास सेल्स कितनी है, हमने अभी फाइंड करी सेल्स कितनी रुपीज, अभी हम चेक करना चाह रहे हैं ब्रेक इवन ना। तो हम 15 लाख की हमने सेल्स, ठीक है, 15 लाख की सेल्स करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास है, वेरिएबल कॉस्ट है 60%। ये कैसे पता चला, ये वेरिएबल कॉस्ट 60% कैसे पता चला, क्योंकि 40% इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो जब 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो 60% कॉस्ट होगी। यहाँ पे ऊपर भी हमने डिसाइड किया था कि 1 रुपीज की सेल में जब 40% हमारी प्रॉफिट था तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था तो 60% कॉस्ट। तो इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट 60% आ गई तो सीएम हमारे पास कितना था, 40%। तो 15 लाख का 40% हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन था और 15 लाख का 60% हमारे पास सीएम था, या 15 लाख में से अगर मैं सीएम को माइनस कर दूं तो वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 9 लाख। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी गया 6 लाख की। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, प्रॉफिट हमारे पास 0, 6 लाख में से माइनस किया 6 लाख तो प्रॉफिट 0। ये 0 क्या बता रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा है कि मतलब जब हम 6 लाख का जब हमने सीएम अर्न किया, जब हमने शुरू से समझते हैं, जब हमने 15 लाख की सेल्स करेंगे तो उस 15 लाख की सेल में हमने ये 15 लाख की सेल कैसे पॉइंट की थी, ये ब्रेक इवन सेल ही तो थी। तो ये ब्रेक इवन सेल को तो हमने चेक किया कि भाई हाँ ठीक है सर, क्या सही में ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने 15 लाख की सेल रखी, वेरिएबल कॉस्ट 60% माइनस करी तो सीएम आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आके हम लोग खड़े हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस, या ब्रेक इवन पॉइंट लिख देता हूँ, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे हम आके खड़े हो गए। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व।